हेलो गाइस, तो शुरू करते हैं व्लॉग लेके प्रभु का नाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो मेरे बाइक पे लाइटिंग सेटअप से रिलेटेड है। जो सेटअप मैं करने वाला हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ और उसके पीछे का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा जब वो सेटअप हो जाएगा बाइक पे। तो क्या है, वो आसान होगा आपको बताना कि कौन सी लाइट का क्या फंक्शन है। तो एक बार वो सेटअप हो जाएगा बाइक पे उसके बाद ही आपको उसका पर्पस बता पाऊंगा, इसलिए मैं उसको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में डालूंगा। तो आप जैसा देख सकते हो अभी ये टेबल खाली है। तो चलो गाइस, जो भी मेरे लाइट से रिलेटेड सामान जो मैंने मंगाया है वो टेबल पे लगा देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि एक एक पार्ट जो मैंने मंगाया है वो कौन सी कंपनी का है और उसका क्या पर्पस है। तो गाइस, आप देख सकते हो पूरा लाइटिंग सेटअप मेरा जो मैं अपनी करंट बाइक यानी जो अपनी एडवेंचर 390 है उस पर लगाने वाला हूँ। ये मैड डॉग का क्लैंप है बेसिकली, ये इसके ऊपर ये दोनों लाइट्स लगेगी। कैसे लगेगी, क्या लगेगी, वो मैं जब ये लाइट्स लगेंगी तब उसको कवर करूंगा। हाल फिलहाल के लिए मैं आपको ये लाइट्स के बारे में बता दूं, ये 60 वॉट्स ईच है, यानी ये 60 वॉट्स है, ये 60 वॉट्स है और ये 4x4 है, मतलब इसमें चार LEDs है। सो जो दोनों लाइट्स का टोटल आउटपुट होगा 120 वॉट्स के आसपास होगा। तो ये प्राइमरी लाइट होगी मेरी। सेकेंडरी लाइट्स जो मैं लगाने वाला हूँ वो मेरी है क्रीकी L9X। ये भी काफ़ी अच्छी लाइट्स है क्योंकि मैंने इसको पहले भी अपनी एक बाइक पे यूज़ किया हुआ है और इसका जो थ्रो है और जो स्प्रेड है वो अमेजिंग है। तो ये मेरी सेकेंडरी लाइट्स होगी, मतलब जहाँ पर मुझे लगेगा कि ये लाइट्स HJG वाली सफिशिएंट नहीं है या ज़्यादा डार्कनेस है एंड आई नीड फर्दर लाइट्स, तो मैं इसको ऑन करूँगा। इसी के साथ मैंने कुछ एक लैंप्स मंगा रखे हैं। जो मेरी सेकेंडरी लाइट्स होगी उसकी प्लेसमेंट मैं जो है वो क्रैश गार्ड्स पर करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली ये माउंट्स मुझे लगने वाले हैं उस पर, क्योंकि कहीं भी ऐसा स्पेस नहीं दिया जहाँ अपन डायरेक्टली लाइट्स को फिट कर सकें। और ये वायरिंग हार्नेस है विष्णु कंपनी का, एज यू कैन सी फ्रॉम द ब्रांड। पेड प्रमोशन नहीं है, पैसा देके खरीदा है, हर चीज़ का पैसा दिया है, कोई भी चीज़ में फ्री में नहीं आई है, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। ये जो वायरिंग हार्नेस है, मुझे इसकी जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी कि मैं ये पूरा लाइटिंग सेटअप यानी ये दोनों की दोनों लाइट्स ये एक ही वायरिंग हार्नेस पर प्लेस कर सकता हूँ और ये दो जो स्विच है वो मेरी दोनों लाइट्स के लिए अलग अलग होंगे। मतलब एक लाइट, एक स्विच ऑन करूंगा तो ये लाइट्स ऑन होगी, दूसरा करूंगा तो ये लाइट्स ऑन होगी। इसके साथ अपने को फ्यूज बॉक्स मिल जाता है और ये है उसका रिले, सो दैट अपना जो बाइक की बैटरी है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। और ये कुछ एक्स्ट्रा वायर्स आई है उसके साथ एंड आई थिंक अगर इसमें कुछ एक्सटेंशन करना पड़े तो उसके लिए ये होगी। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस वायरिंग हार्नेस की ये लगी कि मुझे मल्टीपल वायरिंग हार्नेस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं अपने बाइक पे, एक ही इंस्टॉल करूंगा और ये सारी लाइट्स उस पर फिक्स हो जाएगी। तो गाइज, मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है, मुझे सब लाइट्स लगानी चाहिए थी अपनी बाइक पे या नहीं लगानी चाहिए थी। मेरे हिसाब से लुकिंग एट इंडियन हाईवेज जब आप रात को राइड करते हो तो काफी लाइट की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से मैंने पूरा सेटअप प्लेस करने का सोचा है अपनी बाइक के ऊपर। इसको इंस्टॉल कराऊंगा और फिर दिखाता हूँ आपको कि बाइक पे कहाँ पर कौन सी लाइट लगी है और उसका थ्रो कैसा आता है। तो चलो गाइस, ये इंस्टॉलेशन के लिए निकलते हैं अपने घर से और मिलता हूँ आपको सीधा मोटो व्लॉग में। अपन निकल चुके अपने घर से अपना लाइट का काम करवाने के लिए। सेटअप पूरा मैं आपको दिखा ही चुका हूँ पहले और कहाँ क्या लगाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा जब वो लगेगा। और अपने साथ अपने एक प्रिय मित्र है जो जा रहे हैं, इनको आपने कई बार राइड पर भी देखा होगा अपने साथ, वसु भाई हमारे। आज उससे भी कुछ सर्विस सेंटर पे काम था, मैंने उसको बोला मैं जा रहा हूँ तो बोला चल मैं भी आ ही जाता हूँ साथ में। तो फॉर्चुनेटली आज हम मिल गए। बस एक गुड न्यूज़ ये भी है कि गणेश भाई का अपने को फ़ोन आ गया है कि मैं आ चुका हूँ, आप आ रहे हो तो आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, चलो भाई तुम आए हो तो मैं भी निकल ही चुका हूँ, रास्ते पर ही हूँ तो आ ही जाता हूँ, काम करा ही लेता हूँ आज। तो यार चलो सर्विस सेंटर पे पहुँचता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ वहीं पर डायरेक्टली और बताता हूँ कहाँ पर कौन सी लाइट को प्लेस करने वाले हैं हम लोग। तो गाइस, अपना बाइक का काम चालू हो चुका है सर्विस सेंटर पे और दिखाता हूँ आपको कि अपना बाइक किधर चढ़ा है। और अपना काम एज यूजुअल गणेश ही करने वाला है क्योंकि वो बंदा अपना काम एकदम परफेक्ट करके देता है अपने को, तो अपन उसी से करवाएंगे। तो चलो गाइस, उसके साथ डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ लाइट का प्लेस करेंगे। एक का प्लेसमेंट फिक्स है, दूसरे का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ प्लेस करना है। एक बार वो डिस्कशन फाइनल हो जाता है फिर आपको बताता हूँ कि दोनों का प्लेसमेंट्स कहाँ करें। ये मैड डॉग का क्लैंप है जो अपन लगाने वाले और इसके ऊपर अपनी दो लाइट्स बैठेगी और उसके साथ ये कुछ क्रूज वगैरह भी आते हैं। तो चलो गाइस, लगाते हुए दिखाता हूँ आपको। ये गणेश भाई अपना क्लैंप लगाने का काम शुरू कर चुके हैं और ये नंबर प्लेट निकलेगी और क्लैंप लगेगा, उसके बाद ये नंबर प्लेट लगेगी। देखो ये एक होल है जिधर एक स्क्रू लगेगा, उसके बाद दो नीचे ये जो होल दिख रहे उसमें लगेगा और सेम ऐसा ही स्क्रू वो साइड पे वहाँ पे लगेगा। तो गाइस आप समझ चुके होंगे कि पहला लाइट का प्लेसमेंट हम यहाँ पर करेंगे। एक और दो लाइट्स अपनी जो होगी, पहली लाइट्स वो यहाँ पर लगेगी, दूसरी क्रैश गार्ड पे कहीं लगेगी, कहाँ लगेगी वो मैं
आपको गणेश से डिस्कस करके बताता हूँ कि परफेक्टली वो कहाँ लोकेट करे ताकि जो थ्रो है उस लाइट का प्रॉपर आ पाए। गाइस जो मैटडॉग के क्लैम्प्स के साथ आया था ना वो शॉर्ट बोल्ट है और अभी हम लोग जो डालने वाले वो लॉन्ग बोल्ट है क्योंकि जो ये शॉर्ट बोल्ट है वो प्रॉपर उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे और अपने ADV के लिए इट इज़ बेटर कि वी अपग्रेडेड टू दी टॉलर वंस। 2 घंटे से हम लोग की बाइक पे हम लोग काम कर रहे हैं और अभी तक अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक लाइट ये वाला लाइट का माउंटिंग हुआ है और बाकी अभी कुछ हुआ नहीं है क्योंकि बहुत कुछ खोलना पड़ा हम लोगों को प्रॉपर वायरिंग करने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं हम लोग ने साइड का फ्लेयरिंग भी खोल रखा है, पेट्रोल टैंक भी निकाल रखा है। ये सब हम लोग ने इसलिए खोला है ताकि हम लोग इसके अंदर से वायरिंग आराम से निकाल पाए और प्रॉपरली उसको एडजस्ट कर पाए, अदरवाइज कोई रीजन नहीं था इतना पूरा खोलने के लिए। आप नीचे से कहीं से भी निकाल सकते हो। अभी तो खाली फर्स्ट पेयर ऑफ लाइट्स लगा है, सेकंड पेयर बाकी है, बट एक अच्छा है क्योंकि अपने एक ही हार्नेस में दोनों वायरिंग हो जाएगा तो मेजर काम हो जाएगा, खाली कहाँ लोकेट करना है दूसरे लाइट्स को वही काम बचेगा। कितना टाइम लगेगा भाई, 2 घंटा तो लगा चुका है अभी तक और एक सेट लाइट हुई है, दूसरी लाइट कितना और टाइम लगाएगा? बोल 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 कितना टाइम लगेगा बता तो सही। और एक हाफ एन आवर, बस हाफ एन आवर? श्योर श्योर विथ ऑल फिटिंग, खाली लाइट लगा के नहीं पूरा होना चाहिए। ठीक है चल गाइस, जैसे ये सॉकेट असेंबली आप देख रहे हो येलो वायर का, ऐसा दो अपने पास आया था येलो और ब्लैक वायर का और उनमें से एक ये है, और दो ऐसा आया था रेड और ब्लैक वायर का। तो उसका मतलब ये था कि अपना जो पूरा वायरिंग किट था वो वायरिंग किट में भी वायरिंग जो थी उसी हिसाब से थी कि 2 कनेक्शन येलो के थे और 2 रेड के थे ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप प्रॉपरली उसको वायर अप कर पाओ। ये देखो गणेश कंफ्यूज हो गया, सेकेंड लाइट प्लेस किधर किया जाए क्योंकि जो ये क्रैश गार्ड्स है वो क्रैश गार्ड्स थोड़े से क्रॉस है तो पतले हैं, तो पैकिंग मार के लगाना उस पर नहीं कर सकते क्या? दो लाइट्स तो आप देख सकते हो प्लेस हो चुके हैं, अब दूसरी 2 लाइट्स के लिए हम लोग मारा मारी कर रहे हैं कि कैसे प्लेस करें उसको। ओके गाइस, आप देख सकते हो दूसरे लाइट का क्लैंप भी अपन ने फिट कर दिया है यहाँ पर, सो अकॉर्डिंगली अब उसको प्लेस करेंगे। तो एक लाइट अपनी इधर आएगी और दूसरी वहाँ पर आएगी, तो क्लैंप लग चुके हैं अब वायरिंग स्टार्ट होगी, तो अब जब लाइट फिक्स हो जाएगी तब आपको मिलता हूँ सीधा। सो गाइस फाइनली पूरी वायरिंग हो चुकी है, बाइक पूरी हमने रीअसेंबल कर दी है और जस्ट लास्ट काम जो चल रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का इंसर्शन चालू है। बहुत टाइम लगा है लेकिन आप देख सकते हो रेयरली कोई ऐसा स्पॉट होगा जहाँ से वायर दिख रही है, और जहाँ से दिख रही है वो जैसे कि यहाँ से दिख रही है तो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ उतना तो पार्ट एक्सपोज करेगा ही कहीं ना कहीं से। तो सो फाइनली गाइस इवन आफ्टर 5 आवर्स काम तो कंप्लीट हो गया है, फिटिंग का हो गया लाइट वाइट का, बाकी थोड़ा बाइक की जो फिटिंग और सेटिंग करनी है हमको वो बाकी है। ये वायरिंग की लेबर कॉस्टिंग और वो जो भी है वो बिल बन जाने तो उसके बाद बताता हूँ, और वो जब मैं बाइक पे बैठ के मोटो व्लॉग करूँगा तब बताऊँगा आपको। और तो गाइस अपन अपना बाइक का काम करवा के निकल चुके हैं सर्विस सेंटर से, तो लाइट का परफॉर्मेंस जो है वो मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा आप लोगों को बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट नॉट डार्क येट, तो लाइट्स चालू करके मैं आपको थोड़ा लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में दिखाता हूँ। मैं अभी आपको इसका कॉस्ट बता देता हूँ कि मुझे कितना खर्चा आया इसको पूरा काम कराने में, 1200 रुपये लेबर भरने पड़े मेरे को। बट ये था कि जो काम मैंने किया था वो थोड़ा सिस्टमेटिक कराना था मुझे, सो व्हाट दे हैव डन इज मेरा फ्यूल टैंक सब खोला है उन्होंने एंड देन दे हैव गॉट द वायरिंग डन। मुझे वैसे भी शैबी वर्क पसंद नहीं है बट ठीक है, एटलीस्ट आई एम 80% सेटिस्फाइड विद व्हाट द जॉब हैज बीन डन। 20% इसलिए कि वायरिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी इधर उधर ढीली है विच आई नीड टू अप्लाई जिप टाइज एंड गेट इट फिक्स्ड प्रॉपरली। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो सामने पूरा अंधेरा है, सो लेट्स स्टार्ट अ बाइक फर्स्ट, और इसी के साथ अपनी स्टॉक लाइट्स स्टार्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हो कितनी ब्राइटनेस हुई है। अब हम चालू करेंगे हमारी प्राइमरी लाइट्स जो HJG वाली है, तो अब आप देख सकते हो और कितना ब्राइट हो गया। अब हम चालू करते हैं क्री L9X वाली लाइट, तो आप देख सकते हो कि स्प्रेड कितना बढ़ जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि HJG से फॉल कितना बड़ा, लेकिन अब आप जब ये ऑन किया है मैंने L9X तो उसका स्प्रेड देखो। अब मैं आपको दिखाता हूँ HJG की लाइट्स बंद करके कि जब HJG की लाइट्स बंद होती है तो जो क्री की L9X है उसका स्प्रेड कैसा आता है। सो इसका स्प्रेड कुछ ऐसा आता है कि आपको आजू बाजू का एरिया थोड़ा सा लिटअप हो जाता है अच्छे से, ताकि अगर कोई बीच में आ रहा हो बंदा तो आपको दिख जाएगा। अब अपन बाइक बंद कर देते हैं और दोनों लाइट्स ऑन करते हैं ताकि ये पता कि चले कि बिना स्टॉक लाइट के कैसा व्यू आता है।
सो नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ द इंजन, तो लाइट अपनी जो है वो बंद हो जाएगी। तो अब अपनी लाइट बंद हो चुकी है, तो अब हम चालू करेंगे पहले एच जे जी वाली लाइट्स। सो विथ एच जे जी लाइट्स कुछ व्यू ऐसा आएगा। और अब एच जे जी की बंद करते हैं और ये चालू करते हैं अपनी क्री L9X, तो उसका लाइट अप कुछ ऐसा आएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हमारी लाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ आज का, और उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको ओवरऑल कैसा लगा। और अगर इसके बारे में कुछ भी डिटेल आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर डाल दें, मैं जो जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपको। सो गुड बाय गाइज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग टिल द एंड।